कि एक बुजुर्ग ने दो लोगों को अपने यहाँ खाने पर इनवाइट किया, दावत दी खाने की और बेहतरीन खाना पकवाया और उनके सामने रखवा दिया। दो कंजूस लोगों को इनवाइट किया खाने पे और दो सखी लोगों को इनवाइट किया खाने पे। अब जब वो दो कंजूस लोग आए तो उन बुजुर्ग ने, जैसे पुराने जमाने में जब बाजू की हड्डी टूट जाया करती थी तो लकड़ियां लगाकर जो है वो फिक्स कर दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि खाना तो आपकी पसंद का और बहुत खूब हमने खाना बनाया है, लेकिन तरीका हमारा है क्योंकि हम आपको कुछ सबक देना चाहते हैं। तो यहाँ से ऐसे उनके बाजुओं को बांध दिया गया और हाथ अब क्योंकि लटक रहे तो अब वो निवाला यहाँ तक तो आ गया, मुंह में कैसे। दिलों ने कहा कि दुनिया रहीम। तमाम तर तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए हैं, बेशक
हम खुश नसीब हैं कि परवरदिगार आदम ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया और हुजूर सरवर कायनात इश्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल नूर अव्वल हुस्न अव्वल जो ताहा हैं यासीन हैं बशीर हैं नज़ीर हैं सिराज मुनीर हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो दीन हमारे हवाले किया है वो बड़ा मोतदिल है। और आप खुद फरमाते हैं कि जो मियाना रवि की राह पर चढ़ेगा वो कभी तंग नहीं होगा, उसके लिए मुशक्क़त नहीं उठाएगा वो शख्स, क्योंकि आप तो आए ही इस कायनात में उन मुशक्क़तों को दूर करने के लिए जो पिछली उम्मतें उठाती रही हैं, जो बर्दाश्त करती रही हैं। अच्छा, आप इसराफ़ की जो बात है, आजकल असल में राबिया हो ये गया है कि हमारी एक मैंटेलिटी है, लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, यानी अगर मैंने जो है वो किसी शख्स ने अपने बच्चे का वलीमा करना है तो वो ये सोचेगा कि जैसा मेरे भाई ने किया था अपने बेटे का, हाँ। अगर उससे बढ़ के मैंने नहीं किया तो फिर लोग क्या कहेंगे, और फिर जो मेरे बच्चे के ससुराल वाले होंगे या मेरे अपने बहन भाई होंगे, मेरे घर वाले होंगे, तो वो क्या कहेंगे। यानी लोगों की लोगों को राज़ी करने में, लोगों की खुशनुदी हासिल करने में राजी करने के बजाय लोगों को इस दौड़ में लगा हुआ है। अब इसराफ देखें कि आपकी ज़बान का भी इसराफ है, इंसान ज़्यादा फजूल गुफ्तगू करे तो वो भी इसराफ है, हाथों का भी इसराफ है, इंसान ज़बान से हराम काम अंजाम दे तो वो भी इसराफ है, हमारे जहन का भी इसराफ है, हम गलत सोचे गलीज सोचे सोचे तो वो भी इसराफ है, गलत सोहबत में बैठे तो वो भी इसराफ है। अब सोशल मीडिया की जहाँ तक बात हो रही है, हमारे ये क्या है सोशल मीडिया को जिस तरह से हम सब फॉलो कर रहे हैं, आज तो बस मोबाइल में सर्विसेज बेहतरीन होनी चाहिए, एक तकिया हो एक कोना हो और उस पे बस मोबाइल लेकर बैठ जाया जाए। ये जहन का इसराफ है कि हम जिस तरह से अपनी सलाहियतों को अपने जहन को जो है वो जंग लगा रहे, सिर्फ बस ब्राउजिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ओहो फला शख्स ने क्या कपड़े पहने, अब मैं क्यों नहीं ऐसे कपड़े बना लूं। अच्छा, इसमें भी इस्लाम ने मना नहीं किया, जिस तरह से अभी नूर भाई ने बहुत बेहतरीन बात की, यानी जब अल्लाह अपना फजल करता है ना तो फजल देखना पसंद भी करता है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, बड़ा मालदार है, बड़ा पैसे वाला है, लेकिन उसकी हालत अजीब है, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। आप उसको देखकर कह रहे हैं कि अगर अल्लाह पैसा देता है तो अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छा लिबास पहन सकता है, खुदा जब फजल देता है तो उसको देखना भी पसंद करता है। बात वही है कि आप किस नियत से अच्छा लिबास वितन कर रहे हैं, किस नियत से। अच्छा, कपड़े बहुत सारे हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर देख लिया कि हमारी किसी दोस्त ने किसी कजन ने कोई नए डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ, तो क्योंकि मेरे पास वार्डरोब में बहुत सारे ड्रेसेस हैं लेकिन मुझे वही पहनना है, तो ये भी इसराफ है। अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप यूं करें कि वो आप उन जरूरतमंद लोगों को दे दें जो इस चीज से महरूम है, जो सोच नहीं सकते कि खुदावंदे आलम उनको ये नेमत अता करे, या तो आप उनको दे दें, फिर नया कपड़ा बेशक आप पहने और फिर जब वो पहन ले, क्योंकि ऐसा इंसान कर नहीं सकता ना। एक सिचुएशन है कि एक बुजुर्ग ने दो लोगों को अपने यहाँ खाने पर इन्वाइट किया, दावत दी खाने की और बेहतरीन खाना पकवाया और उनके सामने रखवा दिया। दो कंजूस लोगों को इनवाइट किया खाने पे और दो सखी लोगों को इनवाइट किया खाने पे। अब जब वो दो कंजूस लोग आए तो उन बुजुर्ग ने, जैसे पुराने जमाने में जब बाजू की हड्डी टूट जाया करती थी तो लकड़ियां लगाकर जो है वो फिक्स कर दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि खाना तो आपकी पसंद का और बहुत खूब हमने खाना बनाया है, लेकिन तरीका हमारा है क्योंकि हम आपको कुछ सबक देना चाहते हैं। तो यहां से ऐसे उनके बाजुओं को बांध दिया गया और हाथ अब क्योंकि लटक रहे तो अब वो निवाला यहां तक तो आ गया, मुंह में कैसे डाले, बेहतरीन लिबास पहने हुए थे। तो दोनों ने खाना शुरू किया, खूब खाना खाया, अब यहां से जैसे मुंह में निवाला डाल रहे हैं तो लिबास गंदा भी हो रहा है, मैला भी हो रहा है, खूब सैर होके खाना खाया। उन्होंने फिर दो सखी लोगों को बुलाया जिनका दिल बहुत सैर था, जिनको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, जो बहुत ज्यादा खुराक के मामले हरीस नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप देखें ये कैसे खाना खाते, उन दोनों के लिबास बड़े नफीस से। उनसे कहा कि आपने बुरा नहीं मानना, तरीका हमारा है और खाना बहुत बेहतरीन पका है, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था, वो हरीस नहीं थे, तो उन्होंने खाना लिया और एक दूसरे के मुंह में निवाला डालने लगा, ना लिबास गंदा हुआ
पेट भी भर के खाना भी खा लिया, ये कितना मुश्किल काम है। यानी ना इंसान ना बहुत ज्यादा कंजूस हो ना बहुत ज्यादा सखी हो, यहाँ पे भी एतदाल है कि बहुत ज्यादा कंजूस भी खुदा पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सुबह होती है तो फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार जो सखी हो उसको ज्यादा देना। नबी फरमाते हैं कि सखी तीन चीज़ों से ज्यादा करीब हो जाता है, एक अल्लाह से करीब हो जाता है, एक जन्नत से करीब हो जाता है, एक लोगों से करीब हो जाता है। और जो बखील होता है, जो कंजूस होता है, वो तीन चीज़ों से दूर हो जाता है, एक अल्लाह से दूर हो जाता है, एक जन्नत से दूर हो जाता है, एक लोगों से दूर हो जाता है। तो इसमें भी एतदाल पसंदी है। हमने ये नहीं देखना कि किसी के पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितनी सरवत है, कितनी गाड़ी। आप ये भी तो देखें कि खुदा ने आपको बेहतरीन सेहत अता फरमाई है, खुदा ने आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाया है, खुदा ने आपको एक बेहतरीन बीवी अता की है, खुदा ने आपको एक बेहतरीन शौहर अता किया, आपको एक बेहतरीन भाई अता किया, आपको बाप जैसा मुहाफिजत वाला साया अता किया, आपको एक माँ अता की है। तो दुनिया की तगो दौड़ में अगर लगे रहेंगे, जिस तरह से दुनिया की डगर पर बस दुनिया चल रही है कि उससे ये कर लिया तो हमने भी ये करना है, इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत है। और फिर एतदाल पसंदी की राह पर जब आएंगे, जब अपना एहतसाब करेंगे, इंशाल्लाह खुदा के फजल से बरकतें भी नाजिल होंगी और आमाल भी बेहतर। क्या बात है।